उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कोटेदार के द्वारा की जा रही मनमानी, रोडवेज प्रशासन की मनमानी के खिलाफ हिंद सेना दल निषाद सेना का धरना प्रदर्शन है। निषाद सेना के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नेतृत्व में ग्रामीणों ने हिरा अधिकारी कार्यालय के सामने मेहता पार्क में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर समस्याओं का निस्तारण मांग उठाया। धरने को संबोधित करते हुए सेना के प्रदेश सचिव राणा प्रकाश निषाद ने कहा कि कोटा में दिक्कत यही है कि 5 किलो 6 किलो 7 किलो राशन देता है, फिंगर लगवा लेता है जब से मशीन चली कोटेदार, और कम से कम 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है सबको। और कोटा किसी 6 परिवार है, किसी 5 परिवार है, किसी को 9 किलो, किसी को 7 किलो, किसी को 5 किलो, यही परेशानी। अच्छा, ब्लॉक में दरखास्त दिए थे कि नहीं आप लोग? हर एक जगह दे चुके हैं। अच्छा, विधेयक प्रधान क्या कहते हैं आपके गांव के? प्रधान तो चाहते हैं लेकिन वो फर्जी से, जैसे महाजी द्वारा जदीद के नाम पर दूसरे गांव में कोटा चल रहा हो। अच्छा, आप लोग धरना कितना दिन चलेगा? धरना तो निश्चित काल, जब तक हमारी फैसला नहीं होगी तब तक धरना चलता रहेगा। अच्छा, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये कोटा के लिए है, क्योंकि कोटेदार जो है बहुत दबंग है, किस्म का आदमी है। जब हमारे गांव के लोग राशन लेने जाते हैं तो किसी को 5 किलो, किसी को 6 किलो दे करके भगा देता है, उसका विरोध करने को गाली देने लगता है, मारपीट पर आमदा हो जाता है, यही सब सारी दिक्कत है। और 3-4 किलोमीटर हमारे गांव से जा करके लेने जाने पर, जब हमारे गाँव के लोग राशन लेने जाते हैं तो किसी को 5 किलो, किसी को 6 किलो दे करके भगा देता है, उसका विरोध करने को गाली देने लगता है, मारपीट पर आमदा हो जाता है, यही सब सारी दिक्कत है। और 3-4 किलोमीटर हमारे गांव से जा करके लेने जाने पर,